बबीता जी ने बॉक्स अंजलि भाभी को दिया तो अंजलि भाभी ने बॉक्स तो ले लिया, लेकिन वो भूल गए कि उन्होंने आज पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया है। मतलब पेस्ट कंट्रोल वाले? नहीं 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 नहीं, सुनो तो सही। फिर ओ अब्दुल पेस्ट कंट्रोल वाले को लेके आया तो याद आया तभी अंजलि भाभी को कि अरे बाप रे अभी गया, तो उन्होंने हाथी भाई को दिया संभालने के लिए। अभी हाथी भाई को भी कहीं बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने छोटी को दिया संभालने के लिए। ओ अच्छा अच्छा, मतलब फाइनली बॉक्स थोड़ी के पास है, तो पहले बोलना चाहिए था जेठालाल, खामा का टेंशन दे दिया। थोड़ी भाई वो बॉक्स दे दे भाई, कहाँ है? यहाँ पे घर पे रखा है? घर पे था। था मतलब? मतलब कि घर पे संभाल के रखा था, लेकिन सॉरी सॉरी सॉरी, आगे रोशन भाभी को बोलने दे। लेडीज मर्यादा। हाँ बोलिए रोशन भाभी। ओ खुदाई जी, कैसे बोलूं? मुझे भेड़े भाई को सब सच सच बताने की शक्ति देना खुदाई जी। हे भगवान, भेड़े भाई को सच सुनने की हिम्मत देना। हे भगवान, हम सबकी गलती की सजा कहीं भेड़े भाई को ना भुगतनी पड़े। सच सुन के भेड़े भाई को कहीं सदमा ना लग जाए भगवान। सॉरी का बेटे भाई, थोड़ा शांत दिमाग से सुनना। हाँ आपको ये तो मालूम ही है कि वो बॉक्स जेठा भाई ने अय्यर भाई और बबीता को दिया। मेरी सजनी पे सजने वाला सोना तेरी वजह से खोया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी वो तो तू निभा नहीं पाया, और सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी बनकर घूमता है। आज अगर तेरी दुनिया नहीं हिलाई तो मेरा नाम पत्रकार पोपटलाल नहीं। बोल बोल, क्यों दिया सोना जेठालाल को? बोल।
नहीं पोपटलाल जेठालाल जेठालाल अरे जेठालाल जब मैंने गहनों का बॉक्स तुम्हें संभालने के लिए दिया था तो तुम दूसरे को क्यों दिया अरे ते सांगितलं ना तुम्हाला ते बापूजी गेले म्हणजे ते माहिती आहे मला अगर तुम बाहर जाने वाले थे तो मुझे बॉक्स वापस नहीं दे सकते थे नहीं तब तक तू सगाई करने निकल चुका था नहीं मतलब रिश्तेदार की सगाई अटेंड करने असो जेठालाल तुम जैसे गैर जिम्मेदार इंसान को वो घेरों के बॉस की जिम्मेदारी देनी नहीं चाहिए थी मुझे अभी पता नहीं पोपटलाल मेरे साथ क्या करेगा क्या क्या करेगा मैंने तो टेंशन मतलब भिड़े हम सब तेरे साथ हैं हम सब हैं तेरे साथ पोपटलाल को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे जिससे तुझे तकलीफ हो बीडी मास्टर हम पोपटलाल को समझाएंगे कि इसमें तुम्हारे अकेले की गलती नहीं है हाँ भिड़े भाई पोपट भाई का सोना खोने में हम सबकी गलती है इस गलती के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। लेकिन अंजलि भाभी गलती मान लेने से सोना वापस तो नहीं आ जाएगा ना अभी पोपटलाल यहाँ पे वापस आएगा और पूछेगा मेरा सोना कहाँ है तो मैं क्या बोलूंगा उसे जेठा भाई आपने तो इनको बोला था ना कि बैंक के लॉकर में सोना रखा है तो फिर ये सब अरे धड़धड़े झूठ बोला इसने नहीं नहीं झूठ नहीं बोला भिड़ा चाहिए तो तू बागा से पूछ ले मतलब बाघा को भी सोने के बारे में मालूम है अरे किस किस को बताया तुमने नहीं नहीं बाघा को सोने के बारे में नहीं पता मैं ये कह रहा था कि बाघा मेरे दुकान के काम शायद बैंक गया था तो वहाँ से उसने मुझे फोन करके बताया कि बैंक में अचानक स्ट्राइक हो गई है अचानक तो बड़े इस अचानक के चक्कर में यहाँ पे इतनी भयानक परिस्थिति निर्माण हो गई उसका क्या फिर तू ठंड रख पोपू ना मैं संभाल लूंगा तुम तो बोलो ही मत सोड़ी तुम क्या पोपटलाल को संभालोगे एक साधा गहनों का बॉक्स तक नहीं संभाल पाए तुम अगर तुम वो गहनों का बॉक्स चकने के साथ रखते नहीं ना तो रोशन भाभी गरीबों में बांटने को बोलती ही नहीं असले गरीब अब तो सब अमीर हो गए होंगे पोपटलाल तो अभी गरीबों का मसीहा बन गया हो गया नहीं माधवी आहो काय बोलता है काय बोलतो ये भी माधवी बैग पैक करो हम लोग सोसाइटी छोड़ के जा रहे हैं इससे पहले कि पोपटलाल को पता चले हम यहाँ से भाग जाते आत्माराम भाग कर जाने से भी कुछ फायदा नहीं होगा वो फिल्मों में दिखाते ना कि नागिन अपने नाग के कातिल को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर डस लेता है ऐसे ही पोपटलाल उसके गहनों के कातिल मतलब तुमको दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर डस लेगा मैंने देखा कि पोपटलाल वाकई में नाग बन के मुझे डस रहा है अरे यार भाई यार नहीं यहां से अभी कोई घर पे वापस नहीं जाएगा सब यही रुकेंगे और मेरा साथ देंगे अरे वो तो तुझे पहले ही बोला ना भिड़े हम सब तेरे साथ हैं
तू भिरू नकोस आम्ही तुमके पाठीशी आहे पाठीशी नाही माझ्या बरोबर पाहिजे मेरे साथ पे एक मिनिट आप लोग अब्दुल भाई के घर जाके आए क्या अब्दुल के घर जाके क्या फायदा मतलब वो घर पे होता तो उसका फोन लगता ना क्या 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 बोल क्या रहे हो तुम सोड़ी इसका मतलब क्या हुआ मतलब सॉरी नहीं गया अरे अभी भी उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है मिका मिनट है हम सब अब्दुल भाई के घर जाके देखते हैं ना हो सकता है उनका फोन खराब हो लेकिन वो घर पे ही हो सही बात है हाँ सुजी आइडिया छे हाँ बराबर पोपटलाल यहाँ है उसके पहले हम सब अब्दुल के घर जाके आते हैं चलो हाँ अरे लेकिन उसी वक्त पोपटलाल का फोन आ गया तो वही राहुकाल चल रहा है अभी भी राहुकाल तो अपना चल रहा है कब से देखिए आप लोग जाइए हम लेडीज यहीं पे रुकते हैं नहीं नहीं लेकिन इनके जाने के बाद अगर पोपट भाऊजी आ गए तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी वही वही राहुकाल का बहाना चालू रखना आप भी नहीं पर उन्होंने पूछा कि ये कहाँ है तो क्या बोलूंगी कि ये कहाँ है हाँ बरोबर है मतलब फिर से झूठ बोलना पड़ेगा नहीं नहीं अभी और झूठ नहीं क्या झूठ नहीं बोल सकता भिड़े इतना सिंपल तो है झूठ बोलना तुम्हारे लिए सिंपल होगा जेठालाल मेरे लिए नहीं मैं इतने झूठ नहीं बोल सकता अरे डोंट वरी आत्माराम जैसे लॉकर का झूठ बोला ना वैसे ही जयडलाल तुमको भी झूठ बोलना सिखा देगा है ना जयडलाल ओ यार भाई आप तो कुछ बोला ही मत ये सब आपकी वजह से ही हुआ है जयडलाल फिर वही बात ओए यारो पप्पू का सोना भी ढूंढना है या आपस में ही लगे रहना है अरे ये देखना अय्यर भाई खड़े खड़े काला कांडी कर रहे जयडलाल तुम अय्यर अय्यर शांत हो जाओ देखो सबसे पहले हमें अब्दुल के घर पे जाकर देखना चाहिए क्योंकि पोपटलाल के गहनों की मिलने की वही एक आखिरी उम्मीद है चलो चलो छेती छेती हाँ ये छतरी थे बारिश का मौसम है हाँ लेकिन तीन ही है दो और चाहिए होगी ओहो यारो बाकी मेरे घर से ले लेंगे अरे हाँ तेरा घर तो बाजू में ही है बराबर हाँ एक मिनट आप सबको साथ में जाते हुए अगर पोपटलाल भाई ने देख लिया तो अरे ओ उनको शक हो जाएगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है सही बात है तो एक काम करते कंपाउंड से हम सब साथ में नहीं जाएंगे बारी बारी जाएंगे अरे काय टाइमिंग आहे याच देवा वाचव रे बाबा काही गलती से भी पोपटलालने मुझे देख लिया ना तो 100% पूछेगा कि किधर जा रहा हूं क्या करू ये जाना आज जाना गणपति बाप्पा पोपट भाऊजी का सोना मिल जाए और जल्दी से मिल जाए हाँ
हम सब सिद्धि विनायक चलकर आपके दर्शन करने आएंगे और बापा पूरे 11 नारियल चढ़ाएंगे। 11 नहीं 21 नारियल चढ़ाएंगे। 21 नहीं 51 नारियल चढ़ाएंगे भगवान। प्लीज प्लीज वो सोने का बॉक्स दिलवा दो। प्लीज बॉक्स दिलवा दो पापा। आराम से हाँ। अरे चलो चलो जल्दी चलो। इधर तो ताला है। अरे हाय रब्बा ये अब्दुल किथे गया? ये फोन बंद, दुकान पे ताला, घर पे ताला। अगर अब्दुल नहीं मिला ना तो पोपटलाल मेरी जिंदगी पे ताला लगा देगा। तो भाई साहब से पूछते हैं। अरे भाई साहब ये अब्दुल के घर पे ताला है, आपको पता है वो कहाँ है? भाई वो रात में देर से आता है और सुबह जल्दी चला जाता है और कभी कभी तो रात में आता भी नहीं। अब्दुल रात को कभी कभी दुकान में ही सो जाता है। अब्दुल कहाँ चले गए, तुम कहाँ चले गए? हे रब जी वो अब्दुल का मिलना जरूरी है। वो अब्दुल मिल जाएगा तो सोने का डब्बा भी मिल जाएगा। आत्माराम टेंशन मत लो, अब्दुल मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा मतलब अभी मिलना चाहिए अय्यर। जैसे ही राहुल का खत्म हो जाएगा पोपटलाल मेरे घर पे पहुंच जाएगा और पूछेगा कि गहनों का बॉक्स कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा उसे? नहीं कुछ भी करके पोपटलाल को कल तक तो टालना ही पड़ेगा। सही बात है, लगता है कि तब तक हमें अब्दुल भी मिल जाए और वो गहनों का बॉक्स भी। चलो अभी तो यहाँ से चलते हैं, सोचते हैं आगे क्या करना। हे भगवान कुछ भी करके वो गहनों के बॉक्स वाला थैला मिल जाए, ऐसा कुछ कीजिए प्लीज। सॉरी रोक 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 सॉरी रोक। क्या हुआ? अरे वो गहनों के बॉक्स वाला थैला। क्या वो देखो कचरे के डिब्बे में? फिर पक्का यकीन वही थैला है? अरे ये वही थैला है जिसमें मैंने गहनों का बॉक्स रख के बबीता जी को दिया था अय्यर भाई, है ना? हाँ हाँ। और मेरे घर पे भी यही थैला आया था। वो मेरे घर पे भी सेम। चल 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 चल। वो जल्दी से थैला निकाल के चेक कर, तू कहीं थैला फेंकने के चक्कर में तेरी पार्टी शर्टी की बोतल ना टूट गई हो। मिल गया। क्या हुआ पीड़ू, बोतल टूट गई? अरे इसमें ना ही तुम्हारी बोतल है ना ही गहनों का बॉक्स है, इसमें तो सिर्फ कचरा भरा पड़ा हुआ है। ये वो थैला नहीं है जेठालाल। ओ इसका मतलब ये मेरा वाला थैला नहीं है? लेकिन जेठालाल तुमने तो बोला था यही थैला है। अब मेरा थैला सेम टू सेम ऐसा ही है भाई, लेकिन अभी तू कह रहा ना कि इसमें तो वो गहनों का बॉक्स है और कुछ है नहीं कचरा है, तो इसका मतलब ये मेरा वाला थैला नहीं है। अरे देवा क्या मुसीबत है, किस ओर जा रही है ये कहानी? क्योंकि आपने कभी बादलों को घिरते हुए देखा है बरसात के पहले? धूमधाम कितनी आवाजें आती है, आवाजें हमें ये बताती है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने का अंदेशा है। और इस वक्त ये परिस्थिति भी हमें यही बता रही है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने का अंदेशा है। लेकिन क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा कि तलवार हम सब पे लटक रही है। अब तलवार क्या रूप दिखाती है या फिर तलवार कहीं सिर्फ सुई तो नहीं है कि हम सब उल्लू बन जाए? अब क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।